और नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने फेसबुक यूट्यूब चैनल पर किसी ना किसी ये टैलेंट को शो करते हैं, और आज ऐसे ही मेरे साथ मोहम्मद बलाल। उसके टैलेंट को शो करने से पहले और आपके कानों के साथ ये जो आवाज़ टकरा रही है, इस नाचीज़ का नाम पत्रस कल्याण है, और देखती आँखों और सुनते कानों को नेशनल ब्रॉडकास्टर पत्रस कल्याण का बहुत बहुत सलाम। और सबसे पहले वेलकम, खुश आमदीद तमाम दोस्तों को, भाइयों को जो लाइव इस वक्त ऑन ईयर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो ऑन ईयर इस टैलेंट को जो है वो वॉच कर रहे हैं, उनको वेलकम, खुश आमदीद और बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, आपकी चाहतों का कि आप जो है वो हमारे साथ लाइव जो हैं वो जुड़ते हैं। दिन का कोई भी पहर हो, आप हमारा साथ देते हैं, भरपूर साथ देते हैं, लाइव ऑन ईयर देखते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, और हमारे जो हैं फॉलोअर जो हैं वो आप बढ़ाते हैं, और आपकी बहुत बहुत मोहब्बत का शुक्रिया। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसी तरह आप हमारे साथ मोहब्बत करते रहें, हमारे फॉलोअर जो हैं वो मज़ीद बढ़ाते रहें, और कोई भी टैलेंट जो है वो मैं अपने पेज के ऊपर लेके आता हूँ तो आप उसको बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं, लाइक करते हैं। और इसी तरह आपने मोहम्मद बलाल जो है नेशनल ये स्टार है, फ्यूचर स्टार हैं, जिनका सेम एक्शन जो है वो लिटिल बाबर आजम, ये हमारे पाकिस्तान के लिटिल बाबर आजम हैं, फैसलाबाद एसपीएस क्रिकेट क्लब के साथ इनका तल्लक, और बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं। इनके ऊपर जो है वो 2 से 3 कोच जो हैं वो इनके ऊपर रेगुलरली मेहनत कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और मैं भी जो है आपके सामने, आपकी आंखों के सामने पत्रस कल्याण नेशनल ब्रॉडकास्टर इसके ऊपर मेहनत कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ कि इसके टैलेंट को जो है वो शो किया जाए पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। और ये जो लिटिल बाबर आजम है, ये भी हमारा फ्यूचर स्टार होंगे एसपीएस क्रिकेट क्लब से, मन्ना वाला से इनका तल्लक है, और इनको हम बिल्कुल आपकी स्क्रीन के सामने ले के आए हैं इनके टैलेंट को शो करने के लिए। और आपने भाईजान एक काम करना है, इसके टैलेंट को शो कर रहे हैं और आपने वीडियो को शेयर करना है, पेज को फॉलो करना है, लाइक करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है, ताकि हमारा हर नए आने वाले मैच का जो नोटिफिकेशन है, हर नए आने वाले प्रोग्राम का, हर नई आने वाली पोस्ट का जो है वो नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुँच सके। तो अब मैं आता हूँ मोहम्मद बलाल, लिटिल बाबर आजम जो पाकिस्तान का फ्यूचर होंगे, मुस्तकबिल होंगे, बेहतरीन टैलेंट है, छोटी सी उम्र है, अंडर 13 की टीम में खेलते हैं, 10 ईयर ओल्ड इनकी एज है, और इस एज में इनको सलूट पेश करता हूँ, इनके इस ज़बरदस्त टैलेंट को खराज तहसीन पेश करता हूँ, इनके वालदैन को, इनके चाचू को, और इनके क्लब को जिन्होंने इतना ज़बरदस्त प्लेयर जो है वो तैयार किया है, इतनी ज़बरदस्त एज, छोटी सी एज के अंदर अभी से क्रिकेट खिला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ताकि ये भी जो है वो फ्यूचर में तीनों फार्मेट, वन डे हो, 20 हो, और 4 डे क्रिकेट हो, 2 डे क्रिकेट हो, 3 डे क्रिकेट हो, ये तीनों ही फार्मेट में बाबर आजम बनकर पाकिस्तान का नाम दुनिया के कोने कोने में रोशन करें। और आपके सामने, बिल्कुल आपकी स्क्रीन के सामने, लिटिल बाबर आजम ज़बरदस्त अंदाज के साथ स्पिनर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, फास्ट बॉलर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ड्राइव की प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिफेंसिव क्रिकेट खेल रहे हैं, और बेहतरीन प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या बात है यार, मोहम्मद बलाल आपकी इस एज में बेहतरीन क्रिकेट खेलते हुए, बेहतरीन परफॉर्म करते हुए और डिफेंसिव क्रिकेट खेलते हुए, ये ही बच्चों की एज है। इसी एज में अगर आप अपने बच्चों को बेहतरीन क्रिकेट खिलाएंगे तो आपके बच्चे जो हैं वो इसी एज के अंदर बेहतरीन अखलाक के मालिक भी होंगे, बेहतरीन क्रिकेट भी खेलेंगे, और इसी एज में जो है वो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, इसी एज में आपका बच्चा अगर प्रोफेशनल लाइफ के अंदर किसी भी शोबे को अपनाएगा तो वो 4 से 5 साल के बाद जो है वो अपना किसी भी फील्ड में जो है वो प्रोफेशनल बना सकता है, और बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो मकाम उसी फील्ड के अंदर पा सकता है। और मोहम्मद बलाल बिल्कुल ज़बरदस्त परफॉर्म करते हुए, ज़बरदस्त डिफेंसिव क्रिकेट खेलते हुए, और ये जो शॉटों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये क्रिकेट में बड़े से बड़ा बैट्समैन जो है, विराट कोहली हो, बाबर आजम हो, वो यही प्रैक्टिस करते हैं, और यही बच्चों की बेस है, यही से बच्चे निकलते हैं, बड़ी क्रिकेट में आते हैं, और ये बेस जो है प्रोफेशनल बेस है,
और इसी बेस पे बच्चों को काम करवाएं, बच्चों को मेहनत करवाएं, ताकि आपके बच्चे जो है वो आपके आपका नाम, आपके पाकिस्तान का, अपने मुल्क का, अपने क्लब का नाम जो है वो रोशन बासानी कर सकें। उम्मीद है कि आपको आज का हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और इसी के साथ पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने होस्ट पत्रस कल्याण को दीजिएगा इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी।